Hello friend, I am Dr. Inish. Today we will talk about menstrual cramps in female. तो इसके कारण क्या है menstrual cramps? तो दोस्तों, low blood circulation in bone, a small size in bone, main causes hormonal imbalance. मेन कॉजेज इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, और दोस्तों इसके लक्षण हैं नियर वर बॉम, एक्सेस पेन, एक्सेस ब्लीडिंग, एनजाइटिस, वोमिटिंग. लेकिन दोस्तों मेंस्ट्रुअल क्रैम्प का कारण बहुत कॉमन है, लेकिन उस बात पर लोग ध्यान देते नहीं हैं और बस इसे पेन किलर, बाहर में कोई दवाई मिलता है पेन किलर खा लिए और दर्द कम हो गया, लेकिन उसे पेन किलर यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों. तो पहला तो एक चीज़ और है कि आज के डेट में लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा दवाई है. और जो हम बता रहे थे कि इसका एक कारण कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कारण है जिसके चलते ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं वही पेन किलर लेते हैं. तो दोस्तों पहला चीज़ है कंस्टिपेशन. अगर क्रोनिक कंस्टिपेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन तो होगा, क्रोनिक कंस्टिपेशन है तो बस. तो फास्टली जो है कंस्टिपेशन पर ध्यान दें दोस्तों. और होम्योपैथिक में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का बहुत ही अच्छा दवाई है. फर्स्ट मेडिसिन जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों नेट्रामियूर है, पल्सेटीला है, ककोलस इंडिका है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मेडिसिन हैं. लेकिन वो तो पेशेंट को देखने के बाद होम्योपैथिक में सिंगल दवा, सिंगल मेडिसिन है दोस्तों. एक सिंगल मेडिसिन जो है बहुत सारे लोगों को तुरंत मार देता है. तो दोस्तों ऐसे मोटा मोटे कहा जाए कि एक दवा अगर कुछ नहीं जान रहे हैं, अगर कहीं से लेना हो तो आप और तुरंत का हो, जो तुरंत पेन को रोक दे, तो उसमें एक कॉमन दवा है दोस्तों पल्सेटीला और नक्स बूंद, दोनों ले लें, दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम तीन बार खाएं दोस्तों, उनका मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स 100% ठीक होगा. और अगर ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है दोस्तों तो आप नियर के डॉक्टर से जाकर के तुरंत संपर्क करें, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसा सा दवा है जो पेन किलर तो कुछ नहीं है उसके सामने, बस एक बूंद बहुत काफ़ी है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए दोस्तों. तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा.